हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 है हमारा द सुप्रीमो। द सुप्रीमो में हमने अगले वीडियोस में उसकी जो भी क्वेश्चन आंसर्स थी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस थी, वो सब सीखे। अब हम इस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, उसमें जो खास है, उसमें जो डिफरेंट है वो। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एडजेक्टिव एग्जैक्टली है क्या। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, दिखाता है, जैसे कि कोई पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग्स है और एन आइडिया, लोगों को, पर मतलब प्लेस को, बर्ड को, एनिमल को या कोई भी थिंग है उसको डिस्क्राइब करता है। इन शॉर्ट एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कह सकते हैं। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे दिया है कलर है, मतलब रेड, येल्लो, ग्रीन, वाइट, जो भी कोई भी कलर है तो उसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। फिर साइज, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, एक्स वाई, मतलब कोई भी हो, एक्सेट्रा। शेप, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, कोई भी शेप है तो वो भी हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, टेस्ट, स्वीट, शॉर, बिटर, स्पाइसी, कोई भी टेस्ट है तो उसको भी हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। फिर है टेक्सचर, मतलब स्मूथ है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, कोई भी रफ है, ऐसे कोई भी है तो उसको भी हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। फिर साउंड, साउंड यानी आवाज़, लाउड, क्वाइट, नाइस, ब्यूटीफुल, ऐसा कोई भी है तो उसको भी हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नंबर, कोई नंबर दिया है, फ्यू, मैनी, टू, थ्री, फोर, फाइव, कोई भी नंबर दिया है तो वो भी हमारा एडजेक्टिव है। और वेदर, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, कोई भी सीजन होती है, मतलब वेदर होता है तो उसको भी हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको जो लाइन दी है उसमें एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए आपको याद रखना है कि कलर के नेम है, शेप के नेम है, साइज के नेम है, या कोई टेस्ट है, साउंड है, कोई शेप है, कोई भी है तो वो हमारा एडजेक्टिव है। और उसके अलावा हमें कुछ देखना नहीं है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो चलो, यहाँ पे हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हमारा जो दिया है टॉपिक उसका है, उसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। यहाँ पे हमें जो एडजेक्टिव दिया है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो फर्स्ट है, देयर आर मैनी बलून्स इन दैट स्मॉल बैग। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा हुआ, स्मॉल, यानी कि यहाँ पे हमें साइज दी है स्मॉल, तो वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। कोई लाइन में दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, किसी में तीन आ सकते हैं, तो किसी में एक भी एडजेक्टिव होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन ही हो कि दो ही हो। फिर नेक्स्ट है, द ओल्ड फॉक्स कुड नॉट रीच द शोर ग्रेप्स। फॉक्स है लेकिन कैसा है, ओल्ड, तो एक एडजेक्टिव हमारा ओल्ड हुआ और दूसरा जो टेस्ट दिया है श्योर, तो वो। अमन इज अ क्लेवर एंड एक्टिव बॉय, तो क्लेवर एंड एक्टिव, उसमें कौन से दो चीजें हैं, क्लेवर यानी होशियार है और एक्टिव है, तो क्लेवर एंड एक्टिव। वी वियर वॉर्म क्लोथ्स ऑन अ कोल्ड डे, वॉर्म गरम, ऑन अ कोल्ड, वॉर्म यानी गरम कपड़े और कोल्ड यानी ठंडी के दिन। There were a few, तो एक तो ये few sweet mangoes in the plate, और sweet number भी दिया है और taste भी दिया है। Keyur is a quiet child, quiet sound आया, but his brother is a quiet not, तो quiet उसमें भी दूसरा एक भी कौन सा है, quiet। I like that white dress, तो एक तो हमारा अब
एडजेक्टिव कौन सा हुआ? वाइट विद अ बिग, तो बिग, और दूसरा भी कलर है पिंक. देर आर थ्री पेंसिल्स इन द स्मॉल कंपास बॉक्स, तो एक तो थ्री और स्मॉल दोनों हमारे एडजेक्टिव हुए. द ओल्ड मैन कैरीड हैवी बैग ऑन हिज वीक शोल्डर, तो एक तो ओल्ड मैन, हैवी बैग एंड वीक, ओल्ड भी है, हैवी भी है और वीक भी है वो. दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ रेड रोज, तो एक तो ब्यूटीफुल और रेड. द टेलर कट द सॉफ्ट क्लॉथ इन टू स्क्वायर पीसेस, तो सॉफ्ट और स्क्वायर. द ब्राइट सन इज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, ब्राइट चमकता हुआ एंड क्लियर यानी स्वच्छ. तो इसी तरह से आपको एडजेक्टिव फाइंड करने हैं. नेक्स्ट है पायल लुक्स प्रीटी इन द गोल्डन साड़ी, तो प्रीटी और गोल्डन. देयर वॉज अ लॉन्ग, तो एक तो लॉन्ग, क्यू टू सी द न्यू मूवी, तो न्यू. मदर मेड टेस्टी राउंड बिस्किट फॉर माय पिकनिक, तो टेस्टी और राउंड. तो इसी तरह से बच्चों आपको एडजेक्टिव फाइंड करने हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीड द फॉलोइंग फारसीज एंड राइट द नेम ऑफ द पर्सन और द थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. यहाँ पे हमें जो दिया है, मतलब जो कहवत दी है, उसके ऊपर से हमें या तो कोई पर्सन आता है तो पर्सन का नाम, और कोई थिंग्स आती है तो थिंक का नाम लिखना है. तो यहाँ पे है हायर देन हाई, ऊंचे से ऊंचा. तो ऊंचे से ऊंचा तो क्या है, या तो कोकोनट ट्री हो सकता है, तो कोकोनट ट्री लिखती हूँ. और दूसरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ऐसे ऊंचे से ऊंचा आपको कोई दूसरा याद आता है तो वो आप लिख सकते हो. वाइटर देन वाइट, सबसे वाइट क्या होता है, मिल्क, दूध जैसा सफेद बोलते हैं ना वाइट. ब्राइटर देन ब्राइट, तो सन, सबसे ज्यादा प्रकाशित कौन होता है, सन. सॉफ्टर देन सॉफ्ट यानी कि सबसे सॉफ्ट, तो कॉटन, सबसे सॉफ्ट क्या होता है, कॉटन. फिर है फास्टर देन फास्ट, सबसे ज्यादा फास्ट, तो डियर, सबसे ज्यादा फास्ट कौन भाग सकता है, डियर. काइंडर देन काइंड, सबसे दयालु कौन हो सकते हैं, हमारे भगवान, गॉड. सबसे दयालु कौन है, भगवान. क्लेवर देन क्लेवर, होशियार में से होशियार, तो बीरबल हम बोलते हैं बीरबल. और क्रो बोलते हैं ना कौवा जैसा चतुर, हम वो. तो अब है स्वीटर देन स्वीट, सबसे स्वीट, तो जैगरी, गॉड जेवू गड़ियू कहिए छे. सॉरी जी ए आर वाय. फिर है ब्रेवर देन ब्रेव, सबसे ब्रेव, बहादुर. तो एक तो भगवान हो सकते हैं, तो गॉड. फिर टाइगर, लायन, वो सब क्या है, ब्रेव. नॉटी, नॉटियर देन नॉटी, शरारती में से शरारती, तो श्री कृष्ण भगवान, हम लिख सकते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण. तो इसी तरह से बच्चों आपको कोई दूसरे आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो. यहाँ पे हमें दिया है राइट एनी थ्री इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सन. सन के बारे में हमें यहाँ पे तीन चीजें लिखनी थी, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दी है. द सन इज अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सब सोलर सिस्टम के बीच में हमारा सन दिखाई देता है. लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन द अराउंड 8 मिनट्स, यानी कि सन से पृथ्वी पर लाइट आने में सिर्फ 8 मिनट लगती है. अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और सोलर इक्लिप्स में
मून और सन के बीच, सॉरी मून किसके बीच में है, सन और अर्थ के बीच में। इसी तरह से मैंने यहाँ पे मून के बारे में भी बच्चों लिख लिया है, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, इसको आपको तैयारी वैयारी करनी नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन यूजेस ऑफ अ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है, तो वो पैराग्राफ यानी कि वो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं। सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हमें सन में से शक्ति मिलती है। टुडे सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हो गया है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी। वो मतलब रिन्यूएबल है, रोज़ हमें नई एनर्जी मतलब रोज़ हमें नई लाइट मिलती है और वो रिन्यूएबल है। There are many use of solar energy. बहुत सारे उपयोग है solar energy के। It is used to generate electricity. उसकी मदद से, sun की मदद से हम light भी ला सकते हैं। Which is used to light up our homes. उसके मतलब electricity यानी हमारे घर पर आती है। Offices and streets. Office में भी मिलती है और हमारी line में भी मिलती है। At homes solar energy is used for cooking and for heating water. और हमारे घर पे सोलर एनर्जी से हम खाना भी बना सकते हैं और हम पानी भी गर्म कर सकते हैं। There are solar inverter and solar water purifier also. और हमारे घर में सोलर इन्वेटर यानी कि आप जो मतलब सोलर एनर्जी सिस्टम नखाते आप डाल ऊपर हमारे छत पर होती है वो, और सोलर वाटर प्योरीफाई भी मिलता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू चार्ज बैटरीज ऑफ मोबाइल फोन्स कार्स एंड अदर थिंग्स। और सोलर एनर्जी से हमें बहुत सारी थिंग्स मतलब मोबाइल फोन है, कार है, कुछ और चीज़ें हैं, तो उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये 10 नंबर का लेशन फिनिश होता है। थैंक यू।